हेलो दोस्तों, मैं उदयन खान। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो बनाने वाले अपने फियांसे के ऊपर। मतलब घबराइए मत भैया, शादी उदी नहीं करने वाले हैं। मतलब कि कुछ ऐसा बात है ना कि जब से मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है घर वाला जबरदस्ती बोल बोल के शादी कर ले भैया, ये उम्र है शादी करने के लिए, बच्चा का जान लीजिएगा का। तब भी घर वाले एक लड़की ठीक किए हैं तो हम सोचे कि उससे मिलिए लेते हैं। भैया शादी से पहले मिलना तो जरूरी है ना, तो मिलने के लिए जब उसको बोले हैं तो थोड़ा सा घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी, और हमको जहाँ तक पता चला है उसके बारे में कि थोड़ा सा नर्वस है, मतलब अंदर से बड़ी डरी रहती है। तो आज उसको फाइनली किसी तरह बोल उल के मना लिए हैं मिलने के लिए, तो वो आ रही पार्क में मिलने के लिए। जब मिलने के लिए आएगी तो भैया प्रैंक बनता है ना, तो प्रैंक कर लेते हैं, और उसका जब परमिशन मिल जाएगा तो ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैमरा स्टार्ट करवा रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए यहाँ पे बैठ जाते, खाली तो है। क्या हो रहा है? पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका ना? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई भी होना जरूरी है, तब आगे क्या करना है? फिर शादी ब्याह करके सेट है। पांक। हाँ? आगे अभी पता नहीं। अच्छा, मेरे बारे में पता है ना तुमको, हम क्या करते हैं? मतलब जॉबलेस हैं, जॉब करते नहीं है, बस यूँ ही घूमते रहते हैं, वीडियोज वगैरह बनाते हैं। पता है ना मेरे बारे में? हाँ पता है ना, सारे अच्छे बनाते हैं, लोगों को। अच्छा तो ठीक है, देखो अच्छा वीडियो तो बनाते हैं, अच्छा रहता है वीडियो, मगर कभी कभी वीडियो मेरा कुछ एक दो है, और फ्यूचर में किस टाइप का वीडियो बनेगा वो मैं डिसाइड अभी नहीं किया हूँ। ठीक है ना, मतलब कि जैसे फिल्म वगैरह में होता है वो लिप किस वगैरह, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड टाइप, बहुत सारा वीडियो अभी बनाने वाले हैं, तो इस टाइप से तुमको प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपका काम। हाँ ठीक है, हम करेंगे, चलो अच्छा है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और बात तुमको अपने बारे में बताना है, मतलब कि देखो मेरी कॉलेज में ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही है, मतलब कि ऐसे तुमको बता दे कि 15-20 गर्लफ्रेंड तो कॉलेज में हो गई कंफर्म, और अब शूट वगैरह करते रहते हैं, वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, तो ऐसा समझो ना कि रहती है यार, और मैं थोड़ा सा अच्छा लड़का नहीं हूँ, इतना जान लो, कन्फर्म तुमको बता देता हूँ कि मेरा अफेयर वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, और अक्सर मेरा ओयो ओयो वाला सीन रहता है बहुत बार। अरे समझ रही ना जो बोल रहे हैं, कान में जा रहा है ना बात? जी। हाँ तो बस मेरा वही है कि कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो तुम बोल सकती, कोई भी दिक्कत हो तो। अब जहाँ तक बात है अपना अकेले, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो चक्कर तो नहीं चाहिए? है बॉयफ्रेंड था कभी? बॉयफ्रेंड भी नहीं था तुम्हारा? सही है यार तुम्हारा, मेरा तो था भाई, जो था उस हिसाब से बता रहे हैं, और मैं भी आगे भी रहे, मतलब कि हम नहीं चाहते यार तुमको कोई प्रॉब्लम हो, और थोड़ा सा मुफ्त है। और जहाँ एक बात तुमको और बता दें, हम तुमसे बोल लिए थे, पूछ लिए थे स्टार्टिंग में कि जॉब वगैरह करती हो कि नहीं करती हो, मतलब कि जॉब वगैरह फ्यूचर में करना है कि नहीं करना है, तो तुमको जॉब वगैरह कुछ नहीं करना है, घर पर ही रहना है इत्मीनान से। ठीक है ना, अम्मी का सेवा बना करना है, खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ खाना आता है ना बनाने? ठीक है, तो खाना वाना बना लेना। ठीक ना, और कोई बात मन में हो तो बोल दो, मेरा मिलने का बस वही मकसद है। एक सेकंड, हाँ क्या हुआ? पार्क में क्या हुआ? अबे साले चुतिया, किसी के साथ रहे, तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ अभी मज़ा कहाँ ले रहे हैं साले, हैं होते रहता है काम धाम मेरा, तुमको समझ नहीं आता है, काम होता है, काम करते हैं, मज़ा क्या करते हैं? अबे दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, मतलब एक के कुछ घर वाले बोले थे बैठने के लिए, उनके साथ थोड़ा मिल रहे हैं। ठीक है, मिलने आए थे अभी, तो वो वाला कुछ मेरा सीन नहीं है, कल ही तो गए थे साले वो ये। अबे भोसरी का तुमको बता रहे हैं, चुपचाप रहो समझे, ज़्यादा बकवास मत करो मेरे सामने, हाँ आगे वहीं पर तिया देंगे। और जहाँ अबे साले हरामी,
तुमको जब एक बार बोल रहे हैं कि हम शूट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा सीन वगैरह नहीं कर रहे हैं, तुम क्या जबरदस्ती पेल रहे हो साले, सीन कर रहे हो। हाँ, तुमको साले पेलना जरूरी होता है हर बात में? हाँ, भोजरी का रख फोन। अब सुन, ले फोन मत करियो अभी साले आधे घंटा। अरे बोल रहे हैं साले, किसी के साथ नहीं है, एक कुछ काम से किसी से मिल रहे हैं अभी। हर बात में टांग रहना मत जरूरी है तुम्हारा, समझी ना बात? तुम तो बदतमीजी से बात करने का क्या है मतलब? कि मेरा यही है लहजा यार, बात करने का मेरा काम यही सब है, तो गाली में क्या दिक्कत है? मन मूड खराब रहता है, ऑफ रहता है, तो गाली निकल जाते हैं। और देखो, पहले तुमको बता रहे हैं, तो गाली वाली से तुमको दिक्कत हो, मेरा इतना हम ऐसे हैं ना, तुमको ऐसे कुछ बता दें, हम हाथ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है? ये सब सोच लो, समझ लो, हम ऐसे ही हैं और हम बदल नहीं सकते हैं, समझी ना? कोई दिक्कत नहीं ना ये सब से तुमको? कंट्रोल कर सकती हो ना? ठीक है, जब कंट्रोल कर सकती तो हमको क्या दिक्कत है? अभी तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कंट्रोल कर सकते हैं तो? वेट यार, शादी नहीं हुई। तो शादी नहीं हुई तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुमको? जो शादी के बाद करने वाले थे वो अभी कर लेंगे, पार्क में इतना अच्छा माहौल है, मौसम इतना अच्छा है, एक आध चीज कर लेंगे यार। क्यों ऐसे बदतमीजी बात कर रहे हैं? बदतमीजी से क्या बात कर रहे हैं यार? तुमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमको ये समझ नहीं आ रहा है यार, पास तो आओ यार। शादी होने वाला ना हम लोग का, जो शादी के बाद करेंगे वो अभी कर लेते हैं। अरे यार सुनो, बात सुनो मेरा, ये देखो, डरो रो मत मेरे सामने। अभी देखो, ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, समझी ना? बहुत गर्म मिजाज के हैं और सही बोल रहे हैं यार, अभी मार उड़ देंगे हम फालतू का, अभी मार देंगे हम। हम नहीं कहते तुम्हारे से शादी करने के लिए, बात करने के लिए, तुम्हारी बाबा जबरदस्ती बोल रहे हैं शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए। बुलाया है मिलने के लिए तो मिल लेते हैं, अच्छे से मिल लेते, समझ लेते हैं अच्छे से। देख ले मेरे, देख वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। आज सबसे पहले सॉरी तुमको बोलना चाहेंगे यार, पहले चुप बात सुनो,
मैं तुम्हारा तुम आई थी मिलने के लिए, तो मैं सोचा कि तुम्हारे साथ एक वीडियो बना लेता हूँ। मुझे पता चला कि तुम बहुत ही डरी हुई लड़की हो, तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही इंटेंशन था, एक ही मकसद था कि डर तुम्हारे अंदर का ख़त्म करना, और तुम्हारे जरिए इस जो लड़की ये वीडियो देखेगी उसका डर ख़त्म करना है। यार शादी का बात है, ज़िंदगी का बात है, ज़िंदगी भर जिसके साथ रहना है वो डर के कैसे रहेगी, डर के कैसे जिएगी, समझी ना मेरा बात, समझी ना। तो मेरा वीडियो सब देखी ना, तो थोड़ा सा सोशल मैसेज टाइप रहता है ना मेरा, तो ये भी वीडियो मेरा सोशल मैसेज ही है, समझी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही रीज़न था कि तुम जो अभी इतना डर डर के भाई बात कर रही हो मेरे से, तुम्हारे पापा के जोड़ पे तुम शादी कर लोगी मेरे से, जो तुमको हम पसंद है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। तो लड़का अच्छा होना चाहिए ना शादी करने के लिए, तुमको पसंद आना चाहिए ना शादी के लिए, हाँ कि ना, होना चाहिए ना। बस मैं वीडियो इसी मकसद से बनाया था कि इस वीडियो के जरिए कुछ लड़कियों को थोड़ा सा सीख मिल जाए, जो घर वाले के दबाव में आकर जैसे तैसे लड़के से शादी कर लेते हैं। शादी करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है कि आपको खुद लड़का अच्छा लगना चाहिए, है ना, सही बोले ना। देखो मेरा सबसे पहले तुमको बता देना चाहता हूँ कि मेरा अभी फ़िलहाल कुछ शादी करने का मकसद है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी। और एक परमिशन चाहिए तुमसे कि ये जो वीडियो मैंने अभी शूट किया है ये अपलोड कर सकता हूँ, जब तक तुम परमिशन नहीं दोगी मैं अपलोड नहीं करूँगा यार। जी अम्मी से पूछ कर बताऊँगी। अम्मी से पूछ कर बताओगी, ठीक है। अम्मी को बोलना जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, ठीक है, वो मकसद अम्मी को बताना कि दानिश का, दानिश मेरे साथ ये वीडियो बनाया था और इसका बोला कि ये रीज़न के कारण हम वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो अम्मी को बताना, और अम्मी जब बोल देगी तो मुझे बस एक मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए शुक्रिया।